नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम पढ़ रहे हैं कंटेनम मैकेनिक्स और उसमें हम कर रहे थे एग्जांपल। पहले चैप्टर के हमारे एग्जांपल चल रहे थे, तो हमने एग्जांपल की दो क्लासें लगा ली हैं। आज हम तीसरा एग्जांपल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल इस तरीके से है दोस्तों, एवलेट बाय द ग्रीन थ्योरम। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वेह सी इज द रेक्टेंगल विद वर्टिक्स। हमें इसके कोने दिए गए हैं, वर्टिक्स दिए गए हैं, जीरो जीरो है, जीरो से पाई है, पाई से वन है, जीरो से वन है। तो रेक्टेंगल आप जान गए होंगे एक आयत की आकृति का होता है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ एक ये हमने ले लिया वाई टू डायरेक्शन, ये जीरो, ये वाई वन डायरेक्शन, रेक्टेंगल इस तरीके से है। यहाँ से जीरो जीरो वर्टिक्स हैं, ये कोई ए वर्टिक्स मान लिया और इसके जो निर्देश हैं वो पाई से जीरो हैं, इसके पाई से वन हैं, इसके जीरो से वन है। ये कोई वर्टिक्स बी मान लिया, ये कोई वर्टिक्स सी है हमारे पास, ठीक है। ये मान लिया, यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रीन थ्योरम वेरीफाई कराना है। तो ग्रीन थ्योरम हम जानते हैं कि कोई बंद समाकलन या बंद सर्कल सी होता है पी डी वाई वन प्लस में क्यू डी वाई टू इज इक्वल टू डबल समाकलन एस डेल क्यू अपॉन में डेल वाई वन माइनस डेल पी अपॉन में डेल वाई टू और ये हो जाएगा डी वाई वन डी वाई टू। इक्वेशन नंबर वन जो क्वेश्चन में दिया गया स्टेटमेंट, इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास में p बराबर क्या आ जाएगा, y1 की स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक y2 और q इज इक्वल टू आ जाएगा y2 प्लस में साइन y1। p का y2 के सापेक्ष अवकलन डेल p अपॉन में डेल y2 इज इक्वल टू y2 के सापेक्ष करेंगे तो y1 कांस्टेंट होगा, और y1 कांस्टेंट होगा तो इसको जीरो होगा। कोश हाइपरबोलिक का, वैसे तो कोश का जो अवकलन करते हैं वो माइनस में साइन आता है, बट हाइपरबोलिक है तो यहाँ से ऑलरेडी क्या आएगा हमारे पास में, कितना है p का मान, ठीक है p का करना है y2 के सापेक्ष तो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक y2 डेल q अपॉन में डेल y2, y2 का करेंगे तो एक हो जाएगा, y1 के सापेक्ष करेंगे, y1 के सापेक्ष करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y1। ये वैल्यू इसमें रखेंगे एक नंबर इक्वेशन में, तो बंद समाकलन c इसका मान हमें लेके आना है, ठीक है। तो इसका मान लेके आना है तो p का मान हमारे पास में कितना है, रख दीजिएगा y1 की स्क्वायर माइनस cos हाइपरबोलिक y2 dy1 प्लस में y2, q का मान कितना है, प्लस में साइन y1 और dy2 इज इक्वल टू डबल समाकलन s रहेगा। इसमें वैल्यू रखेंगे डेल q अपॉन में डेल y1, डेल q अपॉन में डेल y1 cos y1 माइनस डेल p अपॉन में डेल y2, तो माइनस और माइनस प्लस में साइन हाइपरबोलिक y2 और dy1 dy2। अब हम लिमिट लेंगे, y1 की लिमिट तो 0 से पाई, y2 की लिमिट 0 से 1। तो पहले हम y1 की लिखेंगे तो 0 से पाई, दोबारा लिखेंगे y2 की तो 0 से 1 और ये हो जाएगा cos y1 प्लस में sin हाइपरबोलिक y2 dy1 dy। अलग अलग समाकलन कीजिएगा,
एक बार y2 का समाकलन करेंगे तो y2 cos y1 प्लस में ये देखिएगा समाकलन साइन का माइनस कोस होता है, बट यहां पे हाइपरबोलिक है तो प्लस का कोस हाइपरबोलिक y2 और dy1 लिमिट रहेगी 0 से 1 0 से 1। तो यहां पर हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 से पाई y2 की जगह 1 रखना है, 1 cos y1 प्लस में cos हाइपरबोलिक 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसकी जगह रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस cos हाइपरबोलिक 0 और dy1 ये रहेगा 0 से पाई cos y1 cos हाइपरबोलिक 1 माइनस कोस जीरो, कोस जीरो का मान 1 और ये आ जाएगा डी वाई वन। अब डी वाई वन के सापेक्ष करेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन वाई वन प्लस में वाई वन कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस में वाई वन 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस के साइन पाई प्लस में पाई कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस में पाई ये 0 रखेंगे, कोस 0 का मान 0, ये 0, ये भी 0, लेकिन साइन पाई का मान कितना होगा 0, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी पाई इससे कॉमन आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 1 पाई माइनस 1। आंसर पाई कोस हाइपरबोलिक 1 माइनस 1। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आ भी सकता है, तो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो क्लास को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।